तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एयरटेल का नेट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसका मैं दो तरीके बताऊंगा, ठीक है? आप ध्यान से ये वीडियो देखते रहिए, बहुत ही आसान है। तो आपका पहला जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे डायल कर लीजिए *121*#, उसके बाद इसको जो है डायल कर दीजिए। डायल करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है, कुछ आएगा आपके सामने ऑप्शन, ये देखिए। यहाँ पे ये देखिए कुछ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, एक नंबर पे करेक्ट पैक इन्फो, ठीक है? तो इस नंबर को आपको चूज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे *1 लिख के, ये देखिए मैंने एक लिखा और सेंड पर क्लिक कर दिया, ठीक है? तो आपको भी सेंड पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए साफ साफ दिखा रहा है, ठीक है? ये देखिए मेरा 596 MB अभी भी बाकी है, और मुझे डेली लिमिट ऑफ 1024 MB, यानी कि 1 GB मुझे मिलता है रोज़ाना, और उसमें से 596 MB अभी भी बचा है। और ये देखिए 100 SMS भी देता है, वो भी दिखा रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और एक तरीका और है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया, अब बैक आ जाते हैं। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है माई एयरटेल ऐप। ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाता है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। तो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए पहले नंबर पे जो है होम पेज में मेरा ये नेट बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है? ये देखिए 595 अभी 95 MB अभी भी बाकी है, 595 MB, और मुझे डेली 1 GB मिलता है, और अभी भी 27 दिन वैलिडिटी है इसमें, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आप जब इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही ये चीज़ आपको नहीं दिखाएगा, आपको रजिस्टर करना होगा। आपका जो एयरटेल नंबर है जिसका बैलेंस देखना है, उस नंबर इस पर दे देना है, और आपके मोबाइल में OTP जाएगा, और OTP इसमें डाल देना है, और आपका इसमें रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है? और आप जो है ये बैलेंस देख पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।